हेलो, बंदे रहिए फिजिक्स बॉय 5054 और 0625 के लिए ला रहे हैं बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस जिससे आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे आसान, बिकॉज वी आर डिकोडिंग द रियल फिजिक्स बिहाइंड द कॉन्सेप्ट्स दैट बाय व्हिच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड डू द प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ। तो इस वीडियो में what we are going to discuss a very important things two things in the previous video I have mentioned three parameters how to use the instrument taking measurement precision of the measuring instrument and then the error or the causes of error so in this video we are going to discuss what is a precision is or what is a error is and how to take the measurement For this, we have a separate video for each and every measuring instrument that is included in our syllabus. And most of the measurements are asked in alternative to theory practical paper, not in the P1 or P2 papers. So let's start. मैंने बोला precision और precision बोला instrument की measuring instrument की किसी चीज को measure में कर रहा हूँ उसकी multiple measurements ले रहा हूँ उसकी प्रिसिशन का मतलब कुछ और है लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिसिशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग और इट इज आल्सो कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो व्हाट इज लीस्ट काउंट और व्हाट इज प्रिसिशन लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट काउंट का मतलब होता है मेजर So, देखें एनी इंस्ट्रूमेंट दैट इज बिल्ड बाय ह्यूमंस आर नॉट इनफिनिट इन द कैपेबिलिटीज उसकी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज है उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटीज है तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग जो आप उस इंस्ट्रूमेंट से प्रेसाइसली बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर कर सकें वो उसकी प्रिसिशन कहलाती है सो हाउ कुड यू राइट इट यू विल सिंपली राइट इट एज स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग दैट कैन बी मेजर एक्यूरेटली दैट कैन बी मेजर एक्यूरेटली बाय द इंस्ट्रूमेंट तो वो चीज उसकी प्रिसिशन कहलाती है और वो चीज उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करती है और उसी का नाम उसकी लीस्ट काउंट है एक एग्जांपल दे रहा हूं मीटर स्केल की प्रिसिशन हम कहते हैं कि है 0.1 सेंटीमीटर तो इसका मतलब है कि डेसिमल प्लेस के बाद जो पहला डिजिट होगा दैट इज कंफर्म्ड बाय द मीटर स्केल मगर अगर डेसिमल प्लेस के बाद दूसरा भी कोई डिजिट लिखा हुआ है इसी मीटर स्केल से मेजरमेंट करके तो वो डाउटफुल हो जाएगा वो उसके लिए प्रेसाइज नहीं हो पाएगा मीटर स्केल के लिए जैसे कि आप लिखते हैं 1.25 सेंटीमीटर तो यहां तक तो ये एक्यूरेटली नजर आ रहा है 1.2 लेकिन ये 5 आपने एस्टिमेट करा है क्योंकि यहां तक इस डिवीजन तक मीटर स्केल प्रिसाइज नहीं हो सकता इसी तरीके से आपके पास अगर माइक्रोमीटर है लेट से एंड यू आर मेजरिंग एनीथिंग विद द माइक्रोमीटर तो उसकी प्रिसिशन 0.001 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि डेसिमल प्लेस के बाद थर्ड डिजिट तक आप कंफर्म है लेकिन अगर आप चौथा डिजिट भी मेंशन कर रहे हैं तो दैट विल बी द डाउटफुल डिजिट दैट विल बी नॉट नोन टू यू बाय यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दैट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन बाय दैट इंस्ट्रूमेंट ये उसकी इससे आगे की प्रेसाइज मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं करके दे सकता तो ये चीज उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट या प्रिसिशन होती है और इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे कि इनकी प्रिसिशन कैसे निकाली गई
या फिर ये इनकी लीस्ट काउंट ऐसे कितनी ही क्यों होती है। देखें इन टुडेज वर्ल्ड वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लीस्ट काउंट इससे और छोटी भी हो, या कोई मीटर स्केल और कोई हो हमारे पास जिसकी स्केलिंग डिफरेंट हुई भी हो तो उसके लीस्ट काउंट कुछ और हो। तो ये आप उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देख के ही निकालते हैं और आपको पता चलता है ये यहाँ पे मैंने नॉर्मली जो होती है जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में मैंने लिखा है। तो दैट इज प्रिसिशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट चीज आती है एरर। एरर सिंपली कहलाता है मिस्टेक, गलती या मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या है भाई फिजिक्स में? लेट्स से कि वी हैव अ रॉड एंड वी से द लेंथ ऑफ दैट रॉड इज 2 meter एंड वी मेजर इट विद अ मीटर स्केल, तो वी फाउंड इट एज 1.9 meter एंड सम ऑफ माय फ्रेंड फाउंड इट एज 1.8 meter। तो ये जो उसकी रियल वैल्यू थी और जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व करी कैलकुलेट करी उसमें शिफ्ट आया। ये जो शिफ्ट है डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द ऑब्जर्व और यू कैन से द मेजर्ड वैल्यू दैट इज एरर। एंड गलती हमेशा होती है। व्हेनेवर यू टेक मेजरमेंट्स इन फिजिक्स देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट देयर इज अ एरर बिकॉज नो इंस्ट्रूमेंट इज 100% एंड नो पर्सन इज 100%। इट कैन गिव इट्स 95% और 99%। तो एरर आता है। अब दो एरर हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ये सिस्टमैटिक एरर क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर इफ यू हैव एनी इश्यूज इन इंस्ट्रूमेंट, वो कैलिब्रेशन के भी हो सकते हैं और वो उस इंस्ट्रूमेंट के पुराने होने की वजह से या उसका कोई पार्ट डैमेज होने की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये सारे एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए और जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सही करवा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करवा सकते हैं, वो सिस्टमैटिक एरर आते हैं। रैंडम एरर, या तो ये कंडीशन बाउंड है, आपने एक इंस्ट्रूमेंट करना है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन वो टेम्परेचर शिफ्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है और उससे आपने जो रीडिंग ली है उसमें फर्क आ गया है, तो आप उसके हवाले से कुछ नहीं कर सकते। तो ये रैंडम एरर एनवायरमेंट की वजह से, सराउंडिंग की वजह से आ जाते हैं। या फिर इसमें रैंडम एरर में क्या होता है कि हमारे पास जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, जस्ट लाइक नोबडी इज 100%, किसी को पता ही नहीं किस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, या फिर उसने मल्टीपल रीडिंग्स ली और उन रीडिंग्स में उसने कोई गलती कर दी, तो वो सारे भी जो एरर आते हैं वो रैंडम एरर कहलाते हैं और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं रह पाता। दे आर शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ द कंडीशन, बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे एरर रैंडम एरर कहलाते हैं। तो ये दो टर्म्स हमने इस वीडियो के अंदर समझी, दैट इज प्रिसिशन एंड एरर। बने रहिएगा, अब हम पढ़ेंगे CAIE के 0625 के 5054 के दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ।